हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का भाग 2। इस भाग में हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन और तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बच्चों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना एक कठिन कार्य है। यह कार्य भारत का वित्त मंत्रालय करता है। बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए किया जाता है। अब जानते हैं हम क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में। बच्चों, प्रायः देखा गया है कि विकसित देशों के विकास की प्रारंभिक आवश्यकताओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है और कृषि क्षेत्र अधिक समृद्ध होते हैं, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पाद होने लगता है। बच्चों, अनेक लोग दूसरे कार्य भी करते हैं, जैसे व्यापारी, शिल्पी, सैनिक कार्य आदि से जुड़े होते हैं। तब भी बहुत सारी वस्तुएं जो प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी होती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे, लंबे समय के बाद औद्योगिकरण के आने से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक अब कारखानों में काम करने लगे। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी गांव में रहते हैं और आपके माता पिता और आप शहरों में रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो उनका पुश्तैनी काम था, यानी कृषि करना या पशुपालन, उसे छोड़कर एक नए कार्य में विलिप्त हो गए हैं। जैसे वो कारखानों में काम करते हैं, या वो सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर वो किसी कंपनी में कार्य करते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक था, वो तृतीय क्षेत्रक में बदल रहा है। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, या फिर वो अपनी मर्जी से उस कार्य में लगे, लेकिन उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो रहा है। विगत 100 वर्षों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ है। बच्चों, अब हम जानेंगे उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है। वर्ष 1973-1974 और 2013-2014 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र की उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके कारण वर्ष 2013-2014 में भारत में तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल,
शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार, थाना, कचहरी, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं की जिम्मेदारी उठाती है। बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों का विकास लोग जितना अधिक करेंगे, इन सेवाओं की मांग उतनी बढ़ जाएगी। सामान्य सी बात है, मान लीजिए एक किसान के पास 100 क्विंटल गन्ना होता था तो उसे गन्ने को मिल तक पहुंचाने के लिए जितनी परिवहन की सेवा लेनी पड़ती थी, उनकी मांग तब बढ़ जाएगी जब वो और अधिक गन्ने का उत्पादन करना शुरू कर देगा। तृतीयक क्षेत्रक जैसे जैसे अधिक आय की ओर अग्रसित होता है, वैसे वैसे अन्य कई सेवाओं जैसे पर्यटन, रेस्तरा, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय इत्यादि की मांग करना शुरू कर देते हैं। बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में होने वाले विकास का सीधा संबंध तृतीय क्षेत्रक के विकास से होता है, जो आप नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करता है। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत के कार्यों और परिवहन में लगे हुए हैं। बच्चों, भारत में लोग ज़्यादातर कहाँ नियोजित हैं? इस आरेख में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का योगदान घट गया है, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। आरेख दो में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। अभी तृतीय क्षेत्रक में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भले ही ज़्यादा है, लेकिन रोजगार में योगदान कम है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। बच्चों, इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। इसके कारण देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/6 है। इसकी तुलना में द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। इसका कारण है अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में किसी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर एक जमीन पे 5 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये 2 लोग अतिरिक्त हैं। इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को हम प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, सेवा क्षेत्रक में कई लोग ठेले पर सामान बेचते हैं और पूरा दिन बिता देते हैं, परंतु
बहुत कम कमा पाते हैं। वो ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर काम नहीं है। तो बच्चों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने जाना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में। फिर हमने जाना क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में, और फिर हमने जाना तृतीय क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के बारे में। तो फिर हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।